पांवटा साहिब में चोरी, छीना झपटी सहित बढ़ रहे क्राइम पर पांवटा साहिब के बुजुर्गों ने चिंता जताई है। इस बार पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक कर डीएसपी प्रमोद चौहान को ज्ञापन सौंपा। डीएसपी कार्यालय पहुंचे दर्जनों बुजुर्गों ने डीएसपी से पांवटा साहिब में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विपिन कालिया ने कहा कि पांवटा साहिब में कानून व्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर गई है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। डीएसपी प्रमोद चौहान ने कहा कि जल्द ही नगर के सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। इसके लिए नगर परिषद से बात हो गई है। जो वारदात बढ़ रही है चेन स्नैचिंग की और जो क्राइम बढ़ रहा है, इसके बारे में पेंशनर्स अपनी आज की जो मासिक मीटिंग में सबने चिंता व्यक्त की और उसी के संदर्भ में हमने आज डीएसपी महोदय से मीटिंग की है और उनके नोटिस में ये सारी चीजें लेकर आए हैं। और इसके बारे में हमारी सजेशन है कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो जगह जगह पर शहर में लगाए जाएं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पांवटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट।